900 साल पुराना है माँ लक्ष्मी का ये मंदिर। दर्शन मात्र से ही दूर हो जाती है धन संबंधी समस्या। जटिल वास्तुकला को समेटे हैं ये मंदिर। ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी भी प्रमुख देवी देवताओं में से एक है, जिन्हें धन धान्य की देवी माना जाता है। भारत में देवी लक्ष्मी को समर्पित कई मंदिर हैं, जहां देवी लक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। मुख्य रूप से देवी लक्ष्मी की उपासना धन की देवी के रूप में की जाती है। ऐसे में हम आज आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो वास्तुशिल्प शैली के लिए मशहूर है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की माँ आर्थिक तंगी की समस्या दूर करती हैं। आपको बता दें, माँ लक्ष्मी को समर्पित ये प्रसिद्ध मंदिर कर्नाटक के हसन से 16 किलोमीटर दूर डोदगादवल्ली नामक गांव में स्थित है। बताया जाता है कि मंदिर 900 साल पुराना है। इतिहासकार बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण होयसल साम्राज्य के शासक विष्णुवर्धन के काल में हुआ था। ये भी कहा जाता है कि ये मंदिर होयसल वास्तुशिल्प शैली के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में देवी लक्ष्मी के साथ और भी देवी देवता विराजमान हैं, जिनके दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं। मंदिर में चारों दिशाओं में चार कक्ष निर्मित हैं, जो मध्य में एक केंद्र से आपस में जुड़े हुए हैं। पूर्वी गर्भगृह में देवी महालक्ष्मी विराजमान है, जिनके दाहिने हाथ में शंख और ऊपरी बाएं हाथ में चक्र है। देवी लक्ष्मी के दोनों ओर दो परिचारिकाओं की मूर्तियां हैं। इसके अलावा मंदिर में नृत्यरत भगवान शिव, भैंसे पर सवार यम और समुद्र देवता वरुण की प्रतिमाएं मौजूद हैं। वहीं मंदिर के उत्तरी कक्ष में देवराज इंद्र की मूर्ति है, जो अपने वाहन ऐरावत पर विराजमान है। साथ ही देवराज इंद्र का व्रज लेकर इंद्राणी भी मौजूद है। मान्यता के अनुसार जो भी भक्त एक बार इस मंदिर के दर्शन कर लेता है, उसे कभी भी धन धान्य की कमी नहीं आती। इस मंदिर में आने वाला हर भक्त यहां से खुश होकर जाता है। खास तौर पर दिवाली के पर्व पर इस परिसर में भक्तों का तांता लगा रहता है। उत्तर पर पश्चिमी भारत में माना जाता है कि देवी लक्ष्मी दिवाली के तीसरे दिन अपने भक्तों के घर का दौरा करती हैं। इस दौरान घर को साफ रखा जाता है, देवी लक्ष्मी की उपासना की जाती है और उनकी प्रतिमा के समक्ष दिया भी प्रज्वलित किया जाता है। इसीलिए इस दौरान देवी लक्ष्मी के भक्त धन समृद्धि की मन्नत मांगने यहाँ पहुँचते हैं। माता रानी यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी करती है और इस स्थान से कभी भी कोई भक्त खाली हाथ नहीं गया। अगर आपको इतिहास से प्यार है तो आपको इस मंदिर की प्राचीन और जटिल वास्तुकला को जरूर देखना चाहिए। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।